That's why. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वैगन पर। आज जैसे कि आपको पता है आज है संडे और आज हम पढ़ेंगे आपके कमेंट्स और आपको मिलेगी कुछ टेक्निकल जानकारियां। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हवाई ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर। जी हाँ, ऑनर 9 लाइट के नाम से ये फोन है। और अगर बात करूं इसकी स्पेसिफिकेशंस की तो लगभग ये आप ये लगा लीजिए ओनर 7X और ओनर का जो 9i है उसके बीच का ये फोन है। यहां पर आपको 5.6 इंच की 18:9 का डिस्प्ले मिल जाएगा। प्रोसेसर वही है क्रीन का 659 जो कि 7X हो रहा है, 9i में आपको देखने को मिलेगा। 3GB, 32GB, 4GB, 64GB के दो वेरिएंट आपको मिलेंगे। खास बात यहां पर यह है कि इसका जो फ्रंट है, फ्रंट में भी आपको 2.5D ग्लास मिलता है और बैक साइड में भी आपको 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिलेगा। डुअल कैमरा सेटअप है, शायद क्वाड कोर सेटअप है। दो कैमरा पीछे की तरफ है, दो कैमरा आगे की तरफ है। 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन दिया गया है रियर और फ्रंट में। बैटरी यहां पर काफी कम दी है, 3000 mAh की बैटरी दी है। फास्ट चार्जिंग भी नहीं दी है, यूएसबी सी टाइप नहीं है, यूएसबी 2.0 दिया गया है इसके अंदर। तो अगले कमेंट्स पढ़ लेते हैं आप लोगों के कुछ। तो हंसराज मीना भारतीय लिखते हैं कि नोकिया में कमी 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो नहीं दिया, मुझे नोकिया की सबसे बड़ी कमी देखने को मिली। अगर 18:9 वाला आपका ये होता तो मिड रेंज फोन में कोई भी कंपनी नहीं टिक पाती है। जी हाँ, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है नोकिया की। नोकिया 6 जो की बात कर रहे हैं, जो 2018 में लॉन्च हुआ है, 2017 में भी हुआ था, नोकिया 6 के नाम से यह दोबारा लॉन्च कर दिया इन्होंने। तो हाँ, 18:9 होता तो काफी अच्छा बिकता था ये फोन मिड रेंज के अंदर और काफी प्रॉब्लम में आ जाती शाओमी, मोटोरोला, लिनोवो। तो बिल्कुल अच्छी बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद टाकुमी फुजिसु कमेंटेड अल्लाह अकबर बूम लिनोवो P2। तो भाई अल्लाह अकबर बूम, तो आपका नाम बहुत बढ़िया लगा भाई। नवीन समरिया लिखते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, लोगों सेटिंग्स में जाओ, स्टोरेज में जाओ और वहां से कॉपी हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं लिनोवो K8 प्लस की। मेरे भाई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, हम मेरी बात सुनिए, आप फाइल मैनेज कर रहे हो, ठीक है। एक इंटरनल स्टोरेज से एक्सटर्नल स्टोरेज में आपको फाइल जो है वो मैनेज करनी है। फाइल मैनेज करने का काम किसका होता है, फाइल मैनेजर का होता है, ठीक है। वो एक अलग ऑप्शन है, दूसरा रास्ता है बैकडोर एंट्री जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सेटिंग्स में जाइए, स्टोरेज में जाइए, वहां से एक्सपोर्ट कीजिए, ठीक है। वो एक बैकडोर एंट्री है, लेकिन जो सही दरवाजा होता है वो फाइल मैनेजर ही होता है मेरे भाई। यहां पर बिल्कुल ये प्रॉब्लम है उनके अंदर और ये फिक्स जल्दी कर देगा लोगों, ऐसा हमारा मानना। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है Xiaomi की तरफ से। जी हाँ, Xiaomi का Redmi Note 5 की कुछ और लीक सामने आई है। यहां पर आपको रियर साइड में 16 मेगापिक्सल और साथ में 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है और फ्रंट साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिले, साथ ही एलईडी फ्लैश भी वहां पर दी गई है। और स्नैपड्रैगन 632 जो कि बिल्कुल नया प्रोसेसर है, ये भी आपको Redmi Note 5 में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, स्नैपड्रैगन इसे आने वाले महीने में लॉन्च कर सकती है। सत्यजीत गोमित लिखते हैं P2 वर्सेस J7 Pro आप इसका डिस्प्ले कंपैरिजन करिए, दोनों ही सुपर एमोलेड स्क्रीन है, तो यार दोनों की लगभग है वो सेम होने वाली है, क्योंकि लिनोवो P2 में जो डिस्प्ले इन्होंने यूज की है वो गैलेक्सी S7 की डिस्प्ले है। अगर आपको नहीं पता हो ये बात तो मैं आपको बता देता हूँ, गैलेक्सी S7 का जो डिस्प्ले है वही आपको लिनोवो P2 में देखने को मिलता है। धीरे शर्मा लिखते हैं कि हेलो भाई, जो लोग डांस के लिए मना करते हैं उनको कहो कि आपकी वीडियो देखना उनके लिए जरूरी नहीं है, वो जाके डांस की वीडियो देखें और अपना मुंह यहां बंद रखें। आई लव योर डांस एंड योर पॉजिटिविटी। धीरज शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए और आपको डांस पसंद आ रहा है इसके लिए। लेकिन धीरज भाई सभी मेरे भाई हैं, सभी हमारी ये फैमिली है सेकंड, जिनको कुछ अच्छा नहीं लगता वो कमेंट्स में लिख दे यार, बेझिझक लिख दे, तुम्हारा भाई जो है वो बुरा नहीं मानेगा, किसी भी बात का बुरा नहीं मानेगा। अच्छा नहीं लगा तो मैं उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, डांस अगर अच्छा नहीं है तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, बोलने का तरीका अच्छा नहीं है तो उसे भी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो लेकिन ये नहीं कहूंगा कि कोई भाई ना देखे, लेकिन आपके सपोर्ट के लिए आपको। तो अगली खबर आ रही है भाई Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का कहना है अगर उनके द्वारा बेचे गए फोन्स जो इंडिया में उन्होंने फोन बेचे हैं अगर उनको एक लाइन में लगा दिया जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, उनके फोन्स जो है वो लगातार आ सकते हैं, इतनी यूनिट्स उन्होंने बेच दी है, तो कमाल की बात है ना। दर्शन चौहान लिखते हैं हाय हाय। हरियाणवी VIP लिखते हैं Awesome review भाई जी, but provide a great review in second textile, camera samples, front both rear, battery performance, video testing, charging, hardware। ये पूछ रहे हैं Redmi 5A और 10 और D के बारे में। जी हाँ, ये दोनों यूनिट्स हमारे पास जब भी आएंगी तो मैं इनका एक डिटेल रिव्यू
तैयार कर दूंगा। तो चीनू समर लिखते हैं नोकिया को एमआई के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि नोकिया इज ए ब्रांड, इसका बिल्ड क्वालिटी के साथ कौन सा वी फोन मोबाइल जो है कंपेयर नहीं हो सकता, इट्स नोकिया क्वालिटी। तो चीनू जी आप पहले ये बताइए कि नोकिया को हम किसके साथ कंपेयर करें। आप कह रहे हैं कि एमआई के साथ नहीं करना चाहिए, आपको शायद पता नहीं है कि एमआई इस समय नंबर वन कंपनी है स्मार्टफोन की इंडिया के अंदर, चाइनीज कंपनी होते हुए भी। और मेरे भाई जब तक किसी फोन का किसी फोन से कंपैरिजन नहीं करेंगे हम, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा यार कौन सा फोन अच्छा है और कौन सा फोन बुरा है। मोंटी शर्मा दानव लिखते हैं हा हा मेहनत करने से कभी नहीं भागेंगे, ये कमेंट कमाल का है। तो इसको पता है यार मैं कितनी मेहनत करता हूँ कितनी नहीं, तो इनडायरेक्ट रूप में बेइज्जती कर रहा है। दोस्तों डोजी की तरफ से एक नया स्मार्टफोन आया है जिसमें 12,000 एमएच की बैटरी दी गई है, 12,000 की 12,000 एमएच। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा कल या परसों में, उसका वीडियो जो है वो सेकंड पर आ जाएगा। प्रकाश जी लिखते हैं ऑसम मैजिक भैया जी, थैंक यू प्रकाश भाई। ओम त्रिपाठी लिखते हैं भाई आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो कभी भी, तो भाई साहब आपका कमेंट पढ़ रहा हूं ध्यान से सुन लेना। ओम त्रिपाठी लिखते हैं नाइस सर आपने कहा था मेरा कमेंट पढ़ोगे, तो भाई आपका कमेंट पढ़ लिया धन्यवाद ओम त्रिपाठी, आप मेरे वीडियोस लगातार दिख रहे हैं मुझे पता है, और आपका कमेंट शामिल नहीं कर पाया तो उसके लिए खेद है सॉरी है, लेकिन इस बार जो है वो आपका स्पेशल ओम त्रिपाठी जी धन्यवाद आपका। परवेज रहमान लिखते हैं MIA1 और P2 का फुल कंपैरिजन करके एक वीडियो बनाइए प्लीज सर, तो मैं कोशिश कर रहा हूं इन दोनों का एक वीडियो बनाने की। आशीष लिखते हैं फ्लिपकार्ट से मैं रिप्लेसमेंट जो है वो कैसे कैंसिल करूं, जैसे रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आया था भाई वैसे कैंसिल का भी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, या फिर आप फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर केयर है वहां पर कॉल करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। कार्तिक गोयल लिखते हैं स्वैगेंट लव यू ब्रदर। अभी खबर है हवाई ओनर की तरफ से, जी हाँ ओनर का 7X में आपको फेस अनलॉक फीचर मिलेगा जो कि आपको आईफोन 10 में देखने को मिलता है, और जल्दी जो ये अपडेट है ये ओनर 7X में दे दिया जाएगा ऐसा कंपनी का कहना है। रविंद्र कुमार जी लिखते हैं सर आप ज्यादातर मोबाइल की अनबॉक्सिंग जो है वो हरे भरे पेड़ पौधों के पास साथ करते हैं, लेकिन वो पौधे सूख चुके हैं, कृपा करके उसमें पानी 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 डाल दीजिए ताकि वीडियो अच्छी बन पाए, आपकी वीडियो बनाने की मेहनत जो है वो लाजवाब है धन्यवाद। तो रविंदर भाई बिल्कुल आपके जो आपने कमेंट किया था इस पर मैंने काम भी कर चुका हूँ भाई, सबको पानी दे दिया है ठीक है, और हरे भरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले वीडियोज में आपको पता लग जाएगा, अगला वीडियो आने वाला है Xiaomi Mi A1 वर्सेज Moto G5S Plus, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि मैं कितना पानी मैंने दे दिया है। तो थैंक यू। धीरे जी लिखते हैं भाई P3 की जो भी अपडेट्स दे सकते हो प्लीज दे दो, तो लेटेस्ट अपडेट भाई ये है कि अभी तक कुछ पता नहीं है कि ये कब आएगा फोन, क्योंकि लिनोवो भी यार बहुत बहुत स्लो है इस मामले में। हटलेस लिखते हैं भाई मैंने भी अमेजोन से ओनर 8 प्रो ऑर्डर किया था, जब पैकेट खोला तो उसके अंदर रिन बार साबुन मिला, उसमें अब क्या किया जाए। भाई कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पे जाओ ठीक है, और जो रिन की साबुन मिली है उससे धो दो फ्लिपकार्ट को ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है ठीक है। आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए अगर कोई सोल्यूशन निकलता है ठीक है, नहीं तो उनकी सोशल साइट्स पर जाइए, फ्लिपकार्ट के नाम से आपको मिल जाएगी, फेसबुक पे ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे सब पे धो डालो रिन के साथ ठीक है। रोहिदास कजाले लिखते हैं मेरा K8 Plus का मदरबोर्ड खराब हो गया लिक्विड डैमेज की वजह से, और वो कहते हैं कि 7500 रुपए लगेंगे, 8100 रुपए का फोन लिया था। अब यार देखो अब ये मतलब कस्टमर के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है यार, 8100 रुपए फोन दे रहे हो आप, 7500 रुपए में आप उसको मदरबोर्ड डाल रहे हो, यानी कि कैमरा सब कुछ फ्री है यार, कैमरा फ्री बॉडी फ्री डिस्प्ले फ्री, तो मतलब क्या मजाक बना के रखा है यार, 2-3 हजार रुपए ले लो यार, ले लो भाई का काम चल जाएगा, और इतनी मतलब अंधेरगढ़ दी मत मचाओ चाइना वालों, जिस दिन इंडिया जाकेगा ना तुम भागते बुंडे लगोगे। तो अगली खबर है वीवो की तरफ से, जी हाँ जो उनके नेक्स्ट फोन आने वाले हैं फ्यूचर के, वहां पर उन्होंने एक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है डिस्प्ले के अंदर, यानी कि बेजललेस फोन और ज्यादा बेजललेस हो जाएंगे, और देखने वाली बात होगी किस तरह से परफॉर्म करता है, लेकिन बहुत ही अच्छा स्टेप है आगे आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए। तो दोस्तों मेरे भाइयों और मेरे चाहने वालों और टेक्निकल दुनिया से संबंध रखने वालों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि जिस हिसाब से वीडियोस बन रहे हैं उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, और बस आप लोगों का साथ चाहिए क्योंकि सब्सक्राइबर गेन करने में जो आपका हाथ जो है वो सबसे ज्यादा है। इस वीडियो को मतलब कोई भी वीडियो है स्वैगेंट की उसको प्लीज 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 शेयर जरूर कीजिएगा अपने फेसबुक पर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, धन्यवाद।